नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। गाजियाबाद की साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग इतनी भयानक थी कि आग ने अपना भयानक रूप ले लिया, जिसमें दो दुकान आग की चपेट में आ गई। दोनों दुकानों में एक दुकान किराना और एक जूतों की दुकान शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों दुकानों का माल जलकर राख हो गया है। बता दें कि आग में जलने वाली दुकान में से एक दुकान भाषी शिव पैलेस के नाम से बताई जा रही है और एक किराना की दुकान में भी आग लगी है। दोनों दुकानों में लाखों का नुकसान बताया जा रहा। खबर लिखे जाने तक घटनास्थल पर कोई भी दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंची हैं। खुद स्थानीय लोग आग पर काबू पाने में जुटे हैं। सोनम सूद की रिपोर्ट। के लिए सैफी में सिविल डिफेंस जाऊँ। क्या पूरा मामला जो मामला क्या है? हाजी बबलू की दुकान है जूतों की, उसके सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। हाँ, तो ट्रांसफार्मर में मतलब स्पार्क हुआ और उसके बाद में आग सारी भयंकर रूप ले लिया। हाँ, और ये आसपास की दुकानें सभी में आग लगी और पूरे ट्रांसफार्मर से पहुंच के लोगों के घरों। कितने का माल बताया जा रहा है सिलेंडर? माल का तो कोई अंदाजा नहीं है। माल वाला दुकान वाले बताएंगे कितने का माल है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।